ओम नमः शिवाय। हरतालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, वहां पूजन करे और कथा पढ़े अथवा सुने। यदि हो सके तो शिव पार्वती के मंदिर में पूजा के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित कर एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर इसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्रोत अथवा शिव चालीसा का पाठ कर उसके बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। हरतालिका तीज की कथा। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मेरा नमस्कार है। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर के रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, जैसे तारागरों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्याम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश होता है। तुमने पहले भी हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुमको सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभो, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, कृपा करके बताइए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई कि इस कन्या की शादी मैं किससे करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी ने तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आर्द्र पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने यहाँ भेजा है, आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है,
पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे भी बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने डस्क लिया है, किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, वह ना जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात, हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस घने जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसके वंदनवारों को सुशोभित करें। इसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि में जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव,
हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैं इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हरतालिका तीज की कथा संपन्न होती है। हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि के किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति के सुख की कामना के लिए करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। आप सभी विधि विधान से माँ शंकर और माता पार्वती जी का पूजन करें। माँ पार्वती और भोलेनाथ आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपका सुहाग अमर रहे, आपकी चूड़ियाँ खनकती रहे, माथे में सिंदूर सजता रहे, 16 सिंगार बना रहे। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती, जय जगदम्बे, ओम नमः शिवाय।